अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 20-26 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम जो इवेंट या सरगर्मी है वो हमारा 23 मार्च का दिन है, योम करारदाद पाकिस्तान का दिन है, जब बुनियाद रखी गई, करारदाद पास की गई और जिस नीयत से हमारे बड़ों ने और जितनी लाखों जानों की कुर्बानी देकर ये पाकिस्तान हासिल किया, अगर हम उसका एहसास कर लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज हम जिंदा कौम हैं और एक आज़ाद मुल्क में जिंदा हैं और अल्लाह की तमाम तर नेमतें हमें मुयसर हैं, अब उससे किस हद तक क्या हो रहा है, अगर निज़ाम तकसीम कुछ गलत है, कुछ निज़ाम में खराबियाँ, वो एक अलग बात है, उसकी तरफ इसलाह की कोशिश करनी चाहिए। नीयत आपकी ठीक होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, एस्ट्रो होप की तरफ से आप सबको ये करारदाद पाकिस्तान यौम आज़ादी की जो बुनियाद रखी गई 23 मार्च का दिन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बात शुरू होगी अब मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की और इसका आगाज हमेशा की तरह करेंगे बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सारा जोहर जो है तमाम बारहवीं घर में मौजूद होगा, या हर दिन की रेशा दवानियां जो हैं जो आपके खिलाफ प्लानिंग हो रही है, साजिशें हो रही हैं, खुल के सामने भी आएंगी और आपको पता भी चलेगा और उससे मुहतात रहने के लिए आपको लाहमल भी इख्तियार करना होगा। इस दौरान खासतौर पर आपको फाइनेंस की तरफ तवज्जो देना चाहिए, अपना बजट खराब होने की बजाय अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। आपके ताले का जो मालिक है वही आपके खाना माल का हाकिम भी है। इसके अलावा आपका दस माह यानी करियर के घर में मुश्तरी की रुजत की वजह से जारी जो मामला उसमें सुस्त रवी इस वक्त चल रही है। वद्दुल अर्थ में जोहरा की तमाम रुजत की हालत में मौजूदगी के बिना पर आपको खान की उम्र में भी एहतियात करना होगी, यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए यह हफ्ता जो है वो खासा, बल्कि पूरा महीना ही चल रहा था लेकिन यह हफ्ता खासा एहतियात तलब आ गया। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा, 20 मार्च को आपकी खूबसूरती को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, अप्रिसिएशन मिल सकेगी आपको। 21 को अपने गुस्से और जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करके ही आप नुकसान से बच सकेंगे। 22 मार्च को अपने हालात पर कंट्रोल रख सकेंगे और उसके लिए भी आपको पूरी तवानाई सर्व करना होगी। 23 को कारोबारी और माली उम्र में कामयाबियां हासिल हो सकेंगी। 24 मार्च को सब्र तहमल से काम लेने के बाद आपके मामलात में बेहतरी आ सकेगी। 25 मार्च को अपनी तयशुदा हदूद में रहकर किए गए कामों में ही कामयाबी मिल सकेगी, यानी विद इन लिमिट अगर आप कोई स्ट्रगल करें तो यकीनन आपके लिए आप सक्सेसफुल रहेंगे, अदरवाइज फिर अगर आप ओवर द लिमिट जाएंगे तो फिर बहुत सारे लॉसेज भी साथ में आ सकते हैं। 26 मार्च को आपका नसीब जाबरी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बच सकते हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल सफर के साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, यानी मामूल के मुताबिक अगर ये हफ्ता गुजारेंगे, अपने आप को थोड़ा केयरफुल रखें तो यकीनन आप कामयाब रहेंगे। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा, आपका हाकिम तारा जोल तमाम मजहब के 11वें घर में रहकर आपको सियासी और समाजी रुझान में उलझाए रखेगा, जबकि आपका जालिया कमजोरी तमाम जायजा के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। 26 और 27 मार्च को अतारत यूरेनस करान होने की वजह से नित नए तजर्बात करके कुछ मजीद सीखने का अमल जारी रख सकेंगे और उसमें थोड़े से वो जो उर्फिया में कहा जाता है कोई पंगे भी शामिल हो सकते हैं, कोई अटकल बच्चों भी लगा सकते हैं, कुछ आप शॉर्टकट भी करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये सारे मामला आपके नॉलेज में आपके एक्सपीरियंस में इजाफा करने का बाइस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 20 मार्च को आपके बहुत से काम जो है खुद बहुत सुधर सकेंगे। 21 को अपने खास मकसद के तहत दूसरों के साथ शराबती ताल्लुकात कायम कर पाएंगे। 22 मार्च को आपके ज़हनी सलाहियतें निकल सकेंगी, जबकि 23 को आपके हालात में खुशगवार और माफी तब्दीलियां रूमा हो सकेंगी। 24 मार्च को आपका नसीब जावरी कर सकेगा और दरपेश मिसाइल जो है आपके वो बआसानी हल हो सकेंगे। 25 मार्च को आपकी बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकेंगी। 26 मार्च को आपको अपने वालदैन का तआवुन हासिल रहेगा। सबसे खुशी की बात जो है मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश की। बुर्ज हॉट पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आठवें घर में रुजत की हालत में रहकर आपके विरासती कानूनी उमूर जो है या शराबती मामला जो है उनमें खाम खा की रुकावटों को जन्म देने का बाइस बन सकेगा, जबकि आपके जारी मिसाइल को भी मजीद बढ़ा देगा, फ्लेयर अप करेगा जो आपके मसाइल है। और यकीनन जब मामला फ्लेयर अप होंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर आपको उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, और यही कामयाबी का रास्ता है कि एक तरफ रुकावट आती है तो आदमी उसका ऑल्टरनेटिव यूज कर लेता है। जबकि इसी दौरान आपका जैली आकम नेपच्यून जो है वो इस हफ्ता भी आपके ताले में ही क्या मजीद रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा,
20 मार्च को आपका शरीक हयात मुख्तलिफ उमूर में आपका मददगार साबित हो सकेगा। 21 को आप अपनी मौजूदा जिंदगी में तब्दीली के जो फैसले हैं उनको फाइनल नहीं कीजिएगा, हतमी शक्ल नहीं दीजिएगा। 22 मार्च को घरेलू माहौल खुशगवार रहने के नुमाया आसार सामने आ सकेंगे। 23 मार्च को जाती सवारी से मुतल जो मसाइल पैदा होंगे उनको आप हल कर सकेंगे। 24 मार्च को आपके अखराज में इजाफे का इम्कान है। 25 मार्च को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 26 मार्च को आपकी तरीना ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सात असरात काम दिन वो 25 और 26 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात काम दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ, चौथा हिस्सा भी खत्म हो गया, हफ्ता मुकम्मल हो गया। इस आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाकयात, कुछ नई स्टार मोमेंट्स और कुछ नए मशकों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।